नमस्कार दोस्तों, वनडे विश्व कप के खिताबी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर छठी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। विश्व कप के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। आइए जानते हैं T20 सीरीज से जुड़ी पूरी जानकारी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम का तीसरी बार विश्व कप खिताब जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। इस विश्व कप में शानदार शुरुआत के बावजूद फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को गहरा जख्म दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 23 नवंबर से होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की मेजबानी टीम इंडिया करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के मैच शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। T20 सीरीज का दूसरा मैच 26 तारीख को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। तीसरा T20 मैच 28 नवंबर को गुवाहाटी में होगा। चौथा T20 1 दिसंबर को नागपुर में खेला जाएगा। पांचवा T20 मैच 3 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर BCCI ने जानकारी दी थी कि वह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। BCCI की मेडिकल टीम ने हार्दिक पंड्या को 6 से 8 सप्ताह आराम करने की सलाह दी है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि विश्व कप 2023 में भारत बांग्लादेश मैच के दौरान हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के लिए सीनियर भारतीय प्लेयर्स को आराम दिया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज के लिए कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।